हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे जू डेयरी फार्म बिहार में। तो दिन में टाइम नहीं मिला जिसके कारण वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया। तो अभी मैं मार्केट से आया हूं तो सोचा कि आज का अपडेट दे दूं। तो सभी गाय खा पी ली है और देख रहे हैं कि नाद में पानी डाला हुआ है ताकि जो पीना चाहे पी सके अपना आराम से। और मैं बता दूँ कि अब जो हमारी कजली का जो अब टाइम है, अब नेक्स्ट मंथ में इसका टाइम है, यानी फरवरी में ये बच्चा देगी। तो आप ये देख लें, उधर जाकर मैं दिखला देता हूँ। और हमारी रानी बच्चिया जो रेड वाली है, ये भी काफ़ी बढ़िया अब हुई है पहले से। यहाँ पे सभी बच्चिया है, ये हमारा शीतल, ये देख सकते हैं आप। ये भी 5 मंथ, यानी 18 तारीख को इसका 5 मंथ कंप्लीट होने वाला है। और ये हमारी काजल गाय, लगभग दिन का इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 15 से 17 केजी का मिल्क इसका रह रहा है। और ये हमारी नई गाय, और ये इसका कल मैं मिल्क रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको शाम में, यानी दोनों टाइम का मिल्क रिकॉर्ड करके शाम में इसका दिखाया जाएगा। आप तैयार रहिएगा वीडियो देखने के लिए ताकि आप लोग देख सकें कि कितना मिल्क निकाल रही है। और ये हमारी लक्ष्मी, लक्ष्मी का मैं बता दूँ कि परसों बच्चा दी और अभी 13 से 14 केजी मिल्क निकाल रही है। ये किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, और इसमें सूखा कुट्टी डाला हुआ है और दाना वगैरह खा ली है ये। तो अभी भी देख सकते हैं, अभी थन इसका मिल्क इसका 5:30 बजे समथिंग निकाला गया है। ये देख ले, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कभी दिन में मौका मिलेगा तो मैं दिखला दूंगा। तो यहाँ पे सभी बच्चियाँ है, और ये रेड वाली बच्चा को जो मैंने कह रहा था, ये रेड वाली बच्चा, इसका थन ढीलने लगा है, देख सकते हैं आप। इसका रिकॉर्ड जो है कि गाभिन होने से पहले कुछ दिन मिल्क भी निकाली, जैसे 5-6 रोज इसका दूध भी निकाला गया। और ये देहाती गाय, ये देख सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल ठीक ठाक फार्म चल रहा है अभी, बस इसी तरह चलता रहे फार्म। यहाँ पे धुआं का व्यवस्था रहता है 24 आवर्स, अगर ठंड ज़्यादा रहे तो, नहीं तो 12 आवर्स तो ज़रूर यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है किसी तरह धुआं हो। तो ये हमारा छोटा सा अपडेट है। अगर अपडेट अच्छा लगता है तो लाइक से ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।